दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों बहुत ही खुशी का विषय है कि आप निरंतर वीडियोस को देख रहे हैं और आपकी ही बदौलत ये चैनल इतनी ग्रोथ कर पाया है। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने देखा है कि पहले मैंने एक पार्ट बनाया था राग पीलू, पीलू राग। और दोस्तों उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया कि तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो दोस्तों आपके लिए आज उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि राग पीलू, दोस्तों इसका जो थाट है वो थाट काफ़ी का ये राग है। मैंने थाट का भी क्रम वीडियो एक बनाया हुआ है कि किस तरीके से क्रम हमें रखना है जिससे कि हमें वो लाइफ टाइम याद रहें। तो अगर आप उस क्रम से इसको बनाते हैं तो ये लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे कि कौन से थाट में कौन कौन से स्वर कोमल, कौन से शुद्ध और कौन से आपके तीव्र लगते हैं। तो सभी को बड़े आप अच्छे तरीके से उसको ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके का मैंने वो क्रम बनाया है। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप एक बार देखिए उस वीडियो को। और चैनल का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सॉन्ग विद नोट यानी कुछ जो मैंने सॉन्ग डाले हैं उनमें नोट्स के साथ में भी मैंने सॉन्ग काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करे हैं। और उसमें एक सेक्शन है कीबोर्ड क्लासेस का, उसमें भी कुछ एक टॉपिक पर मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। और उसमें कीबोर्ड एंड मैनी मोर इस का भी एक सेक्शन मैंने बनाया है। तो उस सेक्शन में भी आपको बहुत सारे वीडियो कीबोर्ड में किस तरीके से टोन बनाते हैं, किस कीबोर्ड में कैसे बनती है, किस ऑक्टापैड में किस तरीके से हम अपनी रिदम बनाते हैं, बहुत सारे कीबोर्ड्स के और ऑक्टापैड के भी मैंने लेसन उसमें डाले हुए हैं। तो उम्मीद है कि उनसे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो आपने अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा लाइफ टाइम। और दोस्तों उम्मीद है कि बहुत जल्दी से अब हम लोग एक खुशखबरी आपको देने वाले हैं। तो अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा और अभी उसको सस्पेंस में थोड़ा हम लोग रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राग पीलू का। तो दोस्तों चलिए पीलू राग के बारे में हम जानते हैं कि पीलू राग है क्या। तो थाट काफी के अंदर सारे गा मा धानी सा यानी गंधार कोमल और निषाद कोमल, थाट काफी। और थाट काफ़ी का ही ये जो हमारा थाट काफ़ी है उसके अंदर गांधार और निषाद दोनों कोमल लगते हैं यानी गा और नी दोनों ये कोमल लगते हैं, बाकी सभी नोट शुद्ध लगते हैं थाट काफ़ी के अंदर, ठीक है। आइए अब हम राग पीलू की बात करते हैं। तो राग पीलू में क्या उसका आरोह अवरोह है, क्या उसकी जाति है, वादी संवादी, तो इस पर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आरोह क्रम है उसमें राग पीलू में ऋषभ और धैवत, ऋषभ और धैवत ये दो नोट वर्जित हैं। तो आरोह में अगर ये वर्जित हैं तो किस तरीके से आरोह लेंगे हम, ऋषभ वर्जित है इसमें।
यानी ये पांच नोट हम लेंगे, कौन कौन से, सा गा मा पा और नी। सा हमारा अगेन वही आ जाएगा, ठीक है, सा सा गा मा पा नी सा पा सा गा मा पा नी सा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अवरोह क्रम देखते हैं कि अवरोह क्रम में क्या होगा। तो अवरोह क्रम में पूरे के पूरे सातों स्वर इसके अंदर लगेंगे। अब अवरोह क्रम देखिए, सा नी निषाद कोमल नी धा पा मा गा रे सा, ऋषा और धैवत जो दोनों आरोह क्रम में वर्जित है, अवरोह क्रम में दोनों का उपयोग होता है। सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी निषाद भी कोमल और गांधार भी कोमल आरोह क्रम में। सा नी धा पा मा गा, तो दोस्तों आपने देखा कि आरोह क्रम में केवल पांच स्वर इसके लगते हैं, सा गा मा पा नी सा, और अवरोह क्रम में सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी सातों स्वर। तो इसकी जाति क्या हुई, औडव संपूर्ण। औडव यानी पांच स्वर लग रहे हैं हमारे, और संपूर्ण हमारे सातों स्वर लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जाति हो गई औडव संपूर्ण। अब दोस्तों इसका जो बादी स्वर है यानी वो है गंधार, और इसका जो संवादी स्वर है वो है निषाद यानी नी। अब बादी कैसे, जो सबसे ज्यादा उपयोग में जो स्वर आता है उसको बोलते हैं बादी स्वर, और उससे जो थोड़ा सा कम आता है उसको बोलते हैं संवादी स्वर। तो इसका बादी गंधार और संवादी निषाद। आइए, और इसको जो दोस्तों गायन का जो इसका समय है वो है दिन का तीसरा पहर। चलिए इसकी एक बार हम, और एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि ये राग जो राग पीलू है इतना खूबसूरत राग है, और इतने ही खूबसूरत बॉलीवुड में इसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग बने हैं, क्योंकि इस जो ये जो राग है इस राग में दोनों गंधार यानी कोमल गंधार और शुद्ध गंधार, दोनों धैवत यानी कोमल धैवत और शुद्ध धैवत, दोनों धा, दोनों नी, ठीक है दोस्तों, यानी दोनों गा, दोनों धा, दोनों नी, ये सारे नोट इसके अंदर लगते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि दोनों निषाद, दोनों गंधार, दोनों सॉरी दोनों धैवत, दोनों गंधार अगर किसी उसमें आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो राग पीलू है। तो ये बहुत अच्छी इसकी इसको समझने की ये तरकीब है कि अगर जिसमें दोनों निषाद, दोनों धैवत, दोनों गंधार अगर किसी सॉन्ग में आपके आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो राग पीलू का ही मधुर सा सॉन्ग है कोई। तो चलिए इसकी पकड़ देख लेते हैं दोस्तों। Thank you.
पकड़ है, एक बार पकड़ को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पकड़ हो गई। और अब इसके कुछ जो सॉन्ग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके जो सॉन्ग हैं, आपने बड़ा ही इसका एक मधुर सॉन्ग सुना होगा। कोई दूसरी टोन लगा लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टोन इसकी बता रही है। चलिए मैं ये स्ट्रिंग की टोन इस पर लगा लेता हूँ और मैं एक रिदम स्टार्ट कर लेता हूँ इसकी कोई भी। दोस्तों इसका जो पहला सॉन्ग है वो ये गोटीदार लहंगा निकलू जब डाल के, 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 छुरिया चल जाए मेरी पतवाली चाल पे। एक सॉन्ग तो दोस्तों ये है, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। दूसरा सॉन्ग मैनू इसके दा लगी अरो, मेरे बचने दिलियो में, मैनू इसके दा लगी अरो, मेरे बचने ये इसका दूसरा सॉन्ग हो गया। तीसरे सॉन्ग की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही प्यारा सा एक सॉन्ग है, और दे प्यार दे हमें प्यार दे। और दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, दे प्यार दे हमें प्यार दे। एक सॉन्ग इसका ये हो गया, ठीक है। एक सॉन्ग और देखिए, बड़ा ही सुंदर सा सॉन्ग है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से है ये, अमिताभ बच्चन और रेखा जी पे फिल्माया गया सॉन्ग है। बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है। चलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजरों में। नेक्स्ट
सॉन्ग जो इसका है दोस्तों वो चिट्ठी न कोई समय जाने वो कौन सदे जहाँ तुम चले गए। फिर एक और बहुत ही मजेदार इसका सॉन्ग था, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया मैं तेरी हो गए मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया मैं तेरी हो गए मैंने वादा किया। और इससे भी एक अच्छा बहुत ही जो फेमस सॉन्ग है जो हर जगह बजता है वो ये है, तनी डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का करारी रे रे कौन बजाए बांसुरिया, जो जिसमें नागिन का ये इस तरीके का लहरा भी बजता है। और एक और मैं सॉन्ग आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा बहुत फेमस सॉन्ग है और उसका जो ओरिजिनल स्केल है वो ये वाला था, तो मैं आपको नीचे से इसका ये सुना देता हूँ। मैंने इस सॉन्ग का वीडियो भी डाला हुआ है। और ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पैर पे माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि दीवान है। ये बहुत ही प्यारा जो सॉन्ग है फिल्म हम साथ साथ हैं का ये बहुत ही पारिवारिक सॉन्ग है और बड़ा ही फेमस ये सॉन्ग हुआ और इसी सॉन्ग के पीछे पिक्चर भी उठी। इसके तो इस पिक्चर के सभी जो सॉन्ग हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग हैं, तो आप इन सॉन्ग को सुनिए और प्रैक्टिस करिए आप राग पीलू की। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।